नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th क्वेश्चन। ए हमें सेट गिवन है हैविंग एलिमेंट 1, 2, 3 एंड हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2। 1, 2 सेट को कंटेन 1, 2 को कंटेन करने वाले 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन करने वाले इक्विवेलेंस रिलेशंस हमें लिखने हैं, कितने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ए सेट के लिए ए क्रॉस ए लिखेंगे, इसलिए ए को मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख देता हूँ 1, 2, 3। सो व्हाट विल बी ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए विल बी 1, 1 कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ 1, a एंड a, सो 1, 1 देन 1 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे 1, 2 राइट 1, 3 देन सेकेंड एलिमेंट को लेंगे यहाँ से फर्स्ट सेट से और उसके ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे देन इट विल बी 2, 1 1 फ्रॉम सेकेंड सेट 2, 1 2, 2 2, 3 2, 1 2, 2 एंड नेक्स्ट इज 2, 3 राइट। नेक्स्ट हम 3 को लेंगे एंड 3 के लिए क्या होगा 3, 1, 3, 2, 3, 3 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3 राइट। ये हमारा ए क्रॉस ही आ गया। नाउ हमें नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं कंटेनिंग 1, 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन राइट। किसी भी रिलेशन, सपोज हम एक रिलेशन लेते हैं R1। अब R1 रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड रिफ्लेक्सिव होने के लिए R1 में क्या होना चाहिए 1, 1 होना चाहिए 2, 2 होना चाहिए ठीक है एंड 3, 3 ये तीन ऑर्डर पेयर नेसेसरीली होने चाहिए ठीक है क्योंकि इनके बिना रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हमें दिया हुआ है कि एक ऑर्डर पेयर 1, 2 जरूर होना चाहिए। अगर हम 1, 2 ऐड करते हैं देन इस रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2, 1 भी ऐड करना होगा राइट। नाउ अब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1, 1 2, 2 और 3, 3 दोनों हैं 1, 2 और 2, 1 पेयर हमारे पास हैं 1, 2 एंड 2, 1 ये दोनों पेयर ऑलरेडी हमारे रिलेशन में है ठीक है। अब हमें ये देखना है रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव है या नहीं। जैसे हम 1, 2 और 2, 1 को देखते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से जो पेयर बनेगा 1, 1 ट्रांजिटिव के लिए 1, 1 यहाँ पर है राइट। अगर यहाँ से हम 2, 2 को देखें 2, 2 को देखते हैं और यहाँ से 2, 1 को देखते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से ट्रांजिटिव के लिए जो पेयर बन सकता है दैट विल बी 2, 1 ऑलरेडी 2, 1 यहाँ पर है राइट। सो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है सॉरी ट्रांजिटिव है ठीक है। अच्छा सेकेंड हम एक रिलेशन R2 बनाते हैं। उस रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हम उसमें 1, 1 2, 2 3, 3 राइट एंड 1, 2 तो कंपलसरी हमें लेना है 1, 2 लेंगे तो 2, 1 भी हमें लेना होगा रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए। अब हमारे ओरिजिनल जो ए क्रॉस ए है उसमें से एक पेयर हम ये ले चुके हैं 1, 2 हम पेयर इंक्लूड कर चुके हैं अपने रिलेशन में 2, 1 ले चुके हैं ठीक है 2, 2 ले चुके हैं और 3, 3 ले चुके हैं। अगर कोई एक एडिशनल पेयर जैसे 1, 3 यहाँ पर लिखा जाएगा 1, 3 तो इसलिए रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3, 1 भी लिखना होगा ठीक है। अच्छा राइट नाउ ये हमारा सेकंड रिलेशन हो गया। अब इसको ट्रांजिटिव चेक कीजिए क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2, 1 हमारे पास है 2, 1 हमारे पास है और 1, 3 भी इसमें है राइट। इनके कॉम्बिनेशन के लिए एक नया पेयर 2, 3 रिलेशन में होना चाहिए इसलिए हमें 2, 3 भी इंक्लूड करना होगा राइट। ट्रांजिटिविटी मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर 2, 1 है 1, 3 है इसलिए हमें 2, 3 डालना होगा एंड 2, 3 हम इंक्लूड करते हैं देन हमें सिमेट्री रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3, 2 भी इंक्लूड करना होगा राइट। अब हम
थ्री टू इंक्लूड कर चुके हैं, राइट, थ्री वन इंक्लूड कर चुके हैं, टू थ्री इंक्लूड कर चुके हैं, वन थ्री इंक्लूड कर चुके हैं, यानी कि सारे पेयर हम इंक्लूड कर चुके हैं, राइट। एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। इसके अलावा और कोई पेयर ऐड करने के लिए हमारे पास नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग कंटेनिंग 1, 2 विल बी 2 ओनली। कौन कौन से? R1 एंड R2। इस 1-2 ऑर्डर पेयर को कंटेन करने वाले सिर्फ दो पेयर हमारे इस रिलेशन में, सॉरी, ऐसे दो रिलेशन हो सकते हैं।